इन्नमल आमाल बिन्नियात, अल्लाह पाक ने आमाल का दारो मदार नियतों पर रखा है। अर्ज करने का मकसद, अब ये नियत ही तो है। आप देखते हैं हाजी वहां जाते हैं, कंकर उठा के ले जाते हैं और वो कंकर जाकर नियत ये करते हैं कि हम शैतान को मार रहे हैं। वहां शैतान थोड़ा ही होता है, लेकिन नियत पर अल्लाह पाक शैतान को मारने का सवाब अता कर देते हैं। आप देखें एक काफर को आदमी मारता है, उसको अल्लाह पाक शहीद का सवाब अता करते हैं। काफर के हाथ से मर जाता है, अल्लाह पाक उसको गाजी का दर्जा अता फरमाते हैं। लेकिन इधर जब एक हाजी वहां जाकर कंकर शैतान को मारता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं इसको इतना बड़ा सवाब अता कर देता हूं गोया कि इसने मैदान जिहाद में एक काफर को कत्ल किया है। अब ये वहां कितने कंकर फेंकते हैं और कितने दिन फेंकते हैं, अल्लाह तबारक व ताला इसके नामे अमाल में इतना बड़ा सवाब अता कर देते हैं। इसीलिए हज को छोटा जिहाद भी कहा गया है कि ये छोटा जिहाद है। ये जिहाद वाली खासियत अल्लाह तबारक व ताला ने इस हज के अंदर रखी है। जिस तरह जिहाद के अंदर माल लगाया जाता है, जिहाद के अंदर जान लगाई जाती है, जिहाद के अंदर वक्त लगाया जाता है, इसी तरह हज के अंदर भी ये सारी चीजें सर्फ होती है। फिर ये भी लिखा है कि हज के अंदर जो पैसे खर्च किए जाते हैं ये जिहाद के खर्चे के बराबर हैं। जो जान खर्च की जाती है ये जिहाद के अंदर जान खर्च करने के कदम लेने के बराबर है, और हज के अंदर जो कंकर फेंके जाते हैं ये इस तरह है कि जिस तरह जिहाद के अंदर तीर चलाए जाते हैं ये उसके बराबर है, और हज के अंदर बहाया जाने वाला पसीना ये जिहाद के अंदर बहाए जाने वाले खून के बराबर है। अल्लाह की शान है, खुदा जिसको चाहे जितना अता कर दे। हदीस के अंदर यह भी आता है कि उलमा जो किताबें लिखते हैं ना, किताबें मजामीन लिखते हैं, खत्म नबूवत के मौजू पे लिखते हैं, दिफाए सहाबा के मौजू पे लिखते हैं, तौहीद के मौजू पे लिखते हैं, रद्द कादियानियत रद्द ईसाइत पे लिखते हैं, फिरके बातला के खिलाफ लिखते हैं, बड़े बड़े फतावाजात लिखते हैं। उलमा की ये स्याही अल्लाह तबारक व ताला कल कियामत के दिन शुहदा के खून के साथ तोलेंगे। इस स्याही को शुहदा के खून के साथ तोल कर अल्लाह पाक इनके नाम अमाल में अजर अता फरमाएंगे। खुदा जिसको चाहे जितना चाहे जिस तरह चाहे अता कर दे, अल्लाह को रोकने वाला कोई भी नहीं। तो बहरहाल में अर्ज ये कर रहा था कि जिस शैतान को वहां मारा जाता है, जिस पे कंकर चलाए जाते हैं, अल्लाह पाक उनको तीर बना देते हैं, इतना बड़ा अजर अता फरमाते हैं। अब ये शैतान है कौन, इसका तारफ क्या है? तो उलमाए किराम ने लिखा है, कुरान करीम भी इसका तारफ करा रहा है। आप जब कुरान करीम खोलते हैं तो कुरान करीम खोलते ही पहली आयत आऊज बिल्लाह मिनश शैतान रजीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाले कारी, कुरान बाद में पढ़, पहले तेरे लिए ये हुक्म है कि शैतान मर्दूद से पनाह मांग, कहीं तेरे अमाल पे डाका डाल के रेयाकारी के अंदर मुब्तला करके तुझे बर्बाद करके ना रख दे। आऊज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम।